हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। हमारे साथ आज फ्रेम में है महिंद्रा की बोलेरो न्यू, जो कि TUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन है, रियर व्हील ड्राइव है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किस बेस पर कंसिडर कर सकते हैं, आपकी चॉइस, आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर ये गाड़ी कहाँ खड़ी उतरती है। हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर दीपक। दीपक, आपने ये गाड़ी कब ली थी और कितने में ली थी और कितनी चला चुके हैं? ये गाड़ी मैंने 10 जून को ली थी। अच्छा। साल 2022 में, और ये 12.5 लाख मेरे को पड़ गई थी ऑन रोड। ठीक है, विदाउट एनी एसेसरीज। और कितनी चला चुके हैं? चलाई तो मैंने अभी इसको 2800 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं चलाई है। ठीक है, तो 2800 किलोमीटर में आपको एक ठीक ठाक आइडिया बेसिकली हो गया होगा कि इस गाड़ी के बारे में। मैंने लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, गली, हाईवे सब जगह चला लिया अभी तक 28 किलोमीटर में। काफ़ी जगह आपने इसके जहाँ बेसिकली इसको लेके जाना चाहिए वहाँ पे टच कर लिया, हिल्स वगैरह में या नहीं? हिल्स में नहीं लेके गया मैं इसको। अच्छा। लेकिन प्लेन ऑफ रोड जो होते हैं, ऑफ रोडिंग बेसिकली जो रहती है, खराब सड़कें या उस तरह से जहाँ पर हाँ फंस सकती है नॉर्मल एक गाड़ी, वहाँ पर आप इसको टेस्ट कर चुके हैं जी। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही कि बोलेरो न्यू लेने की चॉइस कहाँ से बनी, मतलब वो क्या आइडिया था जो आपको लगा कि बोलेरो न्यू लेनी चाहिए मुझे? मेरे को ना SUV गाड़ी लेनी थी। ठीक है, जो कि थोड़ी हाइटेड, हाइट अच्छी हो, हाइट अच्छी हो। तो मेरे को पहले ऑप्शन जो थे वो महिंद्रा की स्कॉर्पियो थी या फिर बोलेरो, जो इसकी पुराना जो बोलेरो था। ठीक है, TUV 300 भी मैंने देखी थी, लेकिन TUV 300 के साथ मेरे को उसका फ्रंट लुक का थोड़ा सा इशू आता था। हाँ। क्योंकि उसमें थोड़े बॉक्सी से जो शेप्स थे। हाँ। और उसकी जो ये फॉग लैम्प थी वो भी बॉक्स, तो वो मेरे को थोड़ा सा इशू लगता था बस लुक्स वाइज में। बाकी TUV 300 भी अच्छी गाड़ी थी। तो फिर स्कॉर्पियो मेरे को लेनी थी, लेकिन स्कॉर्पियो के रेट इतने बढ़ गए कि फिर वो बजट से बाहर होगी। तो फिर पिछले साल जब ये लॉन्च हुई थी महिंद्रा बोलेरो नियो इन्होंने, और इसका आगे का लुक भी सेम कर दिया, तो फिर मेरे को परफेक्ट ये गाड़ी अपने बजट में भी दिखी। और प्लस स्कॉर्पियो का मैं लेता तो बेस मॉडल लेता S5, वो मेरे को अराउंड 15.5-16 तक पड़ रहा था मेरे को। जब ये लॉन्च हुई थी और आज की डेट में काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं इसके अंदर। जो N10 उस टाइम पे था और जो N10 अब आ रहा है, तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले जो इसका महिंद्रा का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो उनका कंपनी डिजाइन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वो लगा आता था, इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, उसकी जगह अभी इन्होंने कैनवुड का सिस्टम दे दिया है। अच्छा, ये कैनवुड वाला जो लगा हुआ है ये कंपनी ने ही लगा के दिया? हाँ, दिया कंपनी ने। ठीक है, इसकी भी आउटपुट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक होता है कि पीछे गाड़ी में लगा आ रहा है, एक होता है आपने डीलर से लगवाया है। नहीं नहीं, ये कंपनी से लगा था, कंपनी से ही लगा आ रहा है कैनवुड का। कंपनी वो वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसकी थोड़ी लुक्स अच्छी थी और थोड़े शायद फीचर्स अच्छे होंगे, मैंने उसको इतना चलाया नहीं था, लेकिन लुक वाइज तो बहुत अच्छा लगता था वो। ठीक है, तो इसलिए फिर एक वो अब शायद टॉप मॉडल में दे रहे हैं, सिर्फ N10 ऑप्शनल में, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। आइए थोड़ा इधर देखते हैं और इसमें क्या क्या। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको इसमें अच्छी खासी प्रोफाइल मिल जाती है। ऑफ रोडिंग के लिए जिस तरह से आपको टायर चाहिए होता है, उसका काफ़ी चौड़ाई है, प्रोफाइल अच्छा है। 215/75 R15 इसमें मिलता है आपको, और डिस्क ब्रेक में आपको फ्रंट में मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम मिलता है। तो मेरे तो ऑप्शन बोलेरो होती है, लेकिन घर वाले बोलेरो के लिए मान नहीं रहते फिर। अच्छा, तो हमने फिर इसलिए सिटी में फिर बोलेरो उतनी वो नहीं रहती अच्छी दिखने में, तो ये थोड़ी सी इसकी लुक और अच्छी कर दी गई है सिटी वाइज। मेरे घर वालों, तो जब मैं ये बुक करा के आया था तो उन्होंने कहा क्या बुक कराया, अपने शहर में कौन बोलेरो चलाता है, ये वो ऐसे। मैंने कहा नहीं, तुम देखोगे गाड़ी, जब देखोगे ना तब मेरे से नहीं बात इसका डोर की अगर आप देखें तो डोर अपने आप में इतना हैवी डोर है, इसको खोलना बंद करने में आपको अच्छी ज़्यादा जान लगती है। पीछे आपको जो है 7-सीटर है, बेसिकली 7-सीटर एक रीज़न हो सकता है आपका, आपको 7-सीटर तो है ही है रीज़न, वो तो है। दीपक, आपको कितनी माइलेज कितनी मिल रही है इसमें? माइलेज मेरे को अभी 14 की दे रही है, 14 के करीब दे रही है ऑन रोड, मतलब सिटी के अंदर। हाँ, हाईवे वगैरह पे सिटी के अंदर पहले मेरे को 12.5 की दे रही थी, अभी जब मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे इसको चला के आया हूँ तो इसकी एवरेज बढ़ गई है, तो 14.5 की दी है उसने मेरे को। तो 14-15 की मान के चलें, सिटी और हाईवे मिक्स आपको 14-15 दे रही बोलती है, 16-17 कंपनी बोलती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं दीपक, अभी ड्राइव पे चलते हैं, इसका थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अंदर बात करेंगे। आप चलाइए, आपको पता चलेगा फिर। हाँ, आ जाओ दीपक। तो अब गाड़ी के अंदर है, सबसे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये नॉब की तरफ देखना है, अच्छा खासा हिलता है। अच्छा, डैशबोर्ड की बात करें तो आपको पुरानी वाली बोलेरो से काफ़ी बेटर डैशबोर्ड इसमें मिलेगा, इसको काफ़ी चेंज कर दिया गया है, आपको ड्यूल टोन में मिलेगा, ग्रे और बेज कलर में। और जैसे कि दीपक ने बताया, कैनवुड का आपको कंपनी से लगा हुआ सिस्टम यहाँ पर आता है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कंपनी से लगा हुआ है। साइड में आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी, AC वेंट्स जो है वो अच्छे खासे बड़े बड़े हैं। तो AC कितना इफेक्टिव है इसका दीपक?
एसी सही है, एसी बढ़िया है बल्कि मैं तो कहूँगा। जैसे बहुत गर्मी हो जाती है जब, जैसे अभी बाहर धूप हो रही है और गाड़ी आपकी हॉट है जी, तब आप इसका 3 नंबर पे ब्लोअर और एसी पावरफुल वाले मोड पे आप ऑन कर दीजिए, 5 मिनट के अंदर ठंडा कर देगी। तो जैसे अभी दीपक ने बताया यहाँ पर एसी के भी मोड्स हैं, ये बेसिकली इको मोड है और ये थोड़ा सा बूस्ट मोड है। हाँ, तो यहाँ पर आपको बैठ के वो एक अच्छा फील आता है कि आप एक ऊंची गाड़ी में बैठे हुए हैं। और अब देखते हैं एक बार ड्राइव करके इसको। सेंटर कंसोल की बात करें तो ये पावर विंडोज जो है आपको सेंटर में मिल जाती हैं। यहाँ भी कोई ऐसी स्पेस नहीं दी गई है जो आपको लगे कि यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, ये ऑक्स का है, ऑक्स वायर लगाने के लिए, और ये है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। तो 2400-2500 आरपीएम के आसपास जो है ये गियर शिफ्ट मांगती है, तो 2500 आरपीएम के आसपास आप गियर शिफ्ट कर लीजिए। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ले गया था मैं इसको, तो जब मैं बनारस गया था तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ले गया था, तो 118 तक ले गया था मैं, लेकिन फिर वहाँ पे स्पीड लिमिट 100 की है तो फिर मैंने कमी कर दी थी। 95 पे क्रूज किया था मैंने इसको। अच्छा, इतनी बढ़िया चली थी कसम से, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं हुई, उसके बाद आराम से बैठो आप 95 पे क्रूज लगा के। और कितनी अच्छी चीज़ है आपको कि इस सेगमेंट की गाड़ी में अभी आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहे हैं, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको फीचर्स जो है वो पूरे देने की कोशिश की है। ये 12.5 लाख रुपए में सब कुछ आपको सारा काम करा कराया मिला है। अभी हम जैसे 2300-2400 आरपीएम पे हैं और हमने इसका टॉप गियर डाल दिया है, तो अगर आप इसको थोड़ा कम स्पीड में भी टॉप गियर पे ले जाना चाहेंगे तो आराम से ले जा सकते हैं। अभी तो खैर हम लोग वैसे 70-80 की स्पीड पे चल रहे हैं, बट अगर नॉर्मली आप इसको 50 पे या 40 पे भी अगर चौथे पाँचवें गियर पर ले जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं आएगी। लो गियर में भी आप आराम से इस गाड़ी को खींच सकते हैं, टॉर्क अच्छा है ना। हाँ, टॉर्क अच्छा है इसलिए आप आराम से खींच सकते हैं। दूसरी चीज़ को बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लो गियर आप हाई गियर में भी गाड़ी को 20-30 में भी उठा सकते हैं, जिसमें कि ये आराम से उठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा आपको मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, ये न्यूट्रल पे है अभी गाड़ी, मैंने इसको सीधा अभी दूसरे गियर पे डाला और सेकंड गियर पे गाड़ी सीधा उठी है। 4 लोग हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी, तो यहाँ से आप इसके टॉर्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितने आराम से ये गाड़ी उठ जाती है। अब एक सेकंड आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी हम लोग इसकी स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, 40 पे ही रखते हैं और मैं इसका हायर गियर डाल देता हूँ। 40 पे हमने इसका हायर गियर चौथा गियर डाल दिया है, अभी भी कोई किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं है। अब ये पांचवा गियर आ गया आपका 40 पे। एक बार अगर आप MID में दिखाएं तो पाँचवें गियर पे हम 40 पे चल रहे हैं आराम से और कोई वाइब्रेशन नहीं है, बड़े आराम से उठ रही है। अब यहाँ से अगर मुझे स्पीड देनी है इसको तो मैं इसको सिर्फ एक्सेलरेट करूँगा इसी गियर पे बिना गियर शिफ्ट किए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी ये, लेकिन जैसे ही 1500 RPM क्रॉस करेगी उसके बाद ही अपनी स्पीड पकड़ लेगी। कितनी जल्दी इसने जो है 80 क्रॉस कर लिया, जैसे आपको अभी बीप सुनाई दी तो इसने 80 क्रॉस कर लिया उसी गियर में, मुझे गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा दीपक, आपसे अब ये तो कुछ खासियत हो गई, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस गाड़ी को डेली चलाते हैं, तो इसकी कुछ कमियां जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो कम रह गई हैं, जो इसमें होनी चाहिए थी, और ड्राइविंग डायनेमिक्स की हम बात करें, बॉडी रोल की हम बात करें। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये बॉडी ऑन फ्रेम पे है, SUV में तो बॉडी रोल होता ही है वैसे। हाँ, SUV में क्या है कि हाइट पे है, हाइट पे तो आपको बॉडी रोल मिलेगा ही, कितना ही कम करने की कोशिश करें जी, लेकिन ठीक है इसमें बॉडी रोल इतना नहीं है। अब हम इसको जो है ऑलमोस्ट 100 पे ले जा चुके हैं, टॉर्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, पुश अच्छा मिल रहा है इंजन का, जब आप इसको एक स्पीड पे भगाना चाहते हैं तो 3000 RPM तक तो इसका पुश है, 3000 RPM के बाद फिर डेड हो जाती है, फिर ये फ्लैट है। हाँ, उसके बाद फिर आपको पावर नहीं मिलेगी, फिर ये फ्लैट है। हाँ, तो ये आपको मतलब लॉन्ग राइड पे आप 100 की स्पीड पे या 105 मतलब 100-110 की स्पीड आप रखिए, आप रखो, आपको फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। छोटे मोटे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स आपको इतने आराम से ये गाड़ी पार करा देगी कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसका थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, अभी हमने 90-100 पे क्रॉस कर लिया है, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ब्रेक बाइट बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त, इसने बहुत अच्छे टाइम में रिस्पॉन्ड किया और गाड़ी को पूरा स्टिल अपनी ही लेन में सीधी खड़ी हो गई गाड़ी, कोई बहुत ज़्यादा आपको झूली नहीं, बहुत ज़्यादा वॉबलिंग इफेक्ट नहीं आया इसमें। अभी तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि बोलेरो नियो करके कोई गाड़ी भी है, मैं आपको सही बताऊँ तो। अच्छा, मैं आज सुबह इसकी वॉशिंग कराने ले गया था जी, तो वो पूछ रहे थे कि ये कौन सी गाड़ी है। जब मैंने जिस दिन गाड़ी ली थी तो मैं एसेसरीज लगवाने ले गया, तो उस भाई ने मेरे को TUV 300 की सारी एसेसरीज लगा के निकाल के दे दी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई बोलेरो नियो है ये, कह रहे अच्छा चेंज हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी लोग जो मेरे साथ के भी हैं ऑफिस में,
तो उनको भी इतना आइडिया नहीं कि बोलेरो नियो कोई गाड़ी भी है, अभी भी सब TUV 300 ही सोचते हैं। या जिन लोगों को आइडिया है वो इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। रियर व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन, जिनको पता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है रियर व्हील ड्राइव में, वो इस गाड़ी के ऊपर हाथ डालते हैं। वो भी एक ऑप्शन, वो भी मतलब एक वो था प्लस पॉइंट कि मेरे को रियर व्हील ड्राइव इसमें मिल रहा था, तो बाकी और सब में फ्रंट व्हील ड्राइव है। अभी ये भी एक और बोलेरो नियो जा रही है रोड पे। अभी हम बात कर रहे थे कि रोड पे प्रेजेंस नहीं है, आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के साथ सेम एक और गाड़ी, वो भी ब्लैक कलर में। तो यहाँ कंक्लूड करते हैं अपना बोलेरो नियो का ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हमने ड्राइव एक्सपीरियंस किया। चाबी दिखाना चाहूँगा, XUV 700 वगैरह में गाड़ी में मिल जाती है, वैसे ही की इसमें भी मिलेगी आपको। अगर इसको हम रेटिंग दें 10 में से, कीपिंग इन माइंड ऑल दी एस्पेक्ट्स, जो सारी चीज़ें रहती हैं, आप इसको 10 में से कितना रेट करेंगे अभी तक जितनी आप गाड़ी चला चुके हैं? 10 में से 8। अच्छा, और दो नंबर क्यों काटे? वो जो फीचर्स नहीं है ना इसके अंदर, जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो जो मिसिंग है। आपके लिए क्या मैटर करता है, फीचर्स या ड्राइविंग मैटर करता है? ड्राइव के मामले में तो ये 10 में से 10 है। अच्छा, अगर मेरे को ड्राइव करने हैं इस पे, हाँ, तो ड्राइव के मामले में तो 10 में से 10। तो जो आपने डिसीजन लिया, आपने कहा जैसे आपके घर वालों ने भी कहा कि ये गाड़ी क्यों ले ली, हाँ, तो आपको आपने जो डिसीजन लिया, आप आज उसी डिसीजन पे खड़े हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था बिल्कुल सही लिया था? आज तो घर वाले भी खड़े हैं साथ में। आप तो घर वाले भी खड़े हैं, उनको भी पसंद आ गई है अभी गाड़ी। अच्छा, अगर आप जैसी गाड़ी चाह रहे थे आपको वैसी गाड़ी मिल गई ड्राइव करने में, तो फिर ये सारी चीज़ें उसके आगे इतनी ज़्यादा मैटर। हालांकि कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स तक आपको मिल जाती हैं, फॉग लैंप भी कंपनी यहाँ पे लगा के दे रही है इस प्राइस रेंज में, डी फॉगर, रियर वाइपर, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। आप देखिए 15 इंची आपको टायर में, टायर प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके अगर हम थ्रो की, हेडलाइट के थ्रो की बात करें दीपक, तो हेडलाइट का थ्रो कैसा रहता है रात में? बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो ये हैलोजन हेडलैम्प्स है, लेकिन ये आपका अगर पूरा अंधेरा है गली के अंदर तो उजाला कर देते हैं सही से। अच्छा, ठीक ठाक थ्रो आपको मिल जाता है इसमें। और ये DRLs भी आते हैं इसमें, हाँ। आपको यहाँ पे DRLs भी मिल जाएंगे, LED DRLs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा बोलेरो न्यू का ओनरशिप रिव्यू जो हम आपके लिए लेके आए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपनी कार का रिव्यू इसी तरह से हमारे चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं, तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी गाड़ी का रिव्यू अपने चैनल पे करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दीपक। थैंक यू।